Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone. I hope all of you will be good in a good state of health. Welcome back to online class. This is your SST class today. Go to SST books page number 6. We have read only first paragraph and today we will read the rest of the paragraphs. So take out your books. Let's start reading. Shahabuddin Muhammad Ghori. Shahabuddin Muhammad was the ruler of Ghor, a small kingdom इन अफ़गानिस्तान. अफ़गानिस्तान की छोटे से सल्तनत गौर का ये हुक्मरान था. कौन हुक्मरान था? मोहम्मद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी. रूलर मीन हुक्मरान, किंगडम मीन सल्तनत. ही वॉज सल्जुक तुर्क फ्रॉम सेंट्रल एशिया. सेंट्रल मीन वस्ती. वो वस्ती एशिया का एक तुर्क सल्जुक था. अकॉर्डिंग के मुताबिक, हिस्टोरियंस मीन तारीख़दान के मुताबिक, और अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, ही कैरिड आउट 7 मेजर इन्वेंशंस ऑफ इंडिया. इन्वेंशंस मीन हमले. उन्होंने कई बार उन्होंने 7 बड़े हमले किए इंडिया पर. तारीख़दान के मुताबिक उन्होंने 7 बड़े हमले किए. इन मेजॉरिटी, जिनमें ज़्यादातर, मेजॉरिटी मीन ज़्यादातर, ऑफ विच ही वॉज सक्सेसफुल, जिसमें वो ज़्यादातर वो कामयाब रहे. He captured mean कब्ज़ा करना. He captured मुल्तान in 1175. उन्हें 1175 में मुल्तान पर कब्ज़ा किया. सिंध इन 1182, 1182 में सिंध पर किया है. एंड पंजाब इन 1186, और 1186 में उन्होंने पंजाब पर कब्ज़ा किया. ट्रबल एंड वरीड. ट्रबल मीन मुसीबत, एंड वरीड परेशानी. विद द राइजिंग पावर ऑफ मोहम्मद गौरी. गौरी की उभरती हुई जो पावर है, ताकत के साथ, किंग ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, दिल्ली का बादशाह और अजमेर, पृथ्वीराज चौहान ने डिसाइडेड, फैसला किया, टू चेक हिम, उसकी जांच पड़ताल का फैसला किया. द फर्स्ट बैटल टुक प्लेस एट टेरेन इन 1191. 1191 में टेरेन के मकाम पर उन्होंने फर्स्ट जंग लड़ी. मोहम्मद गौरी वॉज सेवरली कई बार इंजर्ड, जख्मी. ड्यूरिंग दौरान बैटल जंग, वो जंग के दौरान कई बार जख्मी हुए. Which resulted in his defeat, जिसके नतीजे में उसको शिकस्त हुई. Resulted, नतीजे में उसको शिकस्त हुई. In the next year, in 1192, अगले साल 1192 में, both met, दोनों मिले. Again, दोबारा मिले. Met, मिले. Both, दोनों. Again, दोबारा. In war at Tehran, Tehran के मकाम पर वो दोबारा एक दूसरे से मिले. This time Muhammad Ghori inflicted mean aayat karna, a crushing masalna, defeat on Prithviraj. Is bar Muhammad Ghori ne Prithviraj par ek masalti hui shikast aayat ki. He then conquered mean fatah karna, the lands of Benares, Gwalior, Gujarat and Ajmer. Tab unhone Ajmer, Gujarat, Gwalior, Benares ki zameenon par fatah hasil ki. In 1192, 1192 में he was assassinated. Assassinated mean चुप कर कत्ल करना. By unknown नामालूम persons, शख्स. near जहलम. जहलम के करीब नामालूम अफराद ने उसको चुप कर कत्ल कर दिया गया. He is buried there. Buried mean दफनाया, उसको उधरी दफनाया गया. The slave dynasty, शाही गुलामी, establish बहाल करना. Muslim rule, मुस्लिम हुक्मरान over दिल्ली पर. कुतुबुद्दीन ऐबक was the slave of शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी. कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का ग़ुलाम था. Whom he had brought up from childhood, बचपन ही से उसको आला था. He was well educated, वो एक आला तालीम याफ्ता, एंड एबल पर्सन, और काबिल शख्स था. एंड ही ascended to throne after the death of गौरी. गौरी की फौतगी के बाद, गौरी के इंतकाल के बाद throne तख्त और ascended चढ़ा. तो उसने तख्त पर चढ़ाई हासिल की. वो उसकी गौरी की फौतगी के बाद वो तख्त पर बैठ गया या जानशीन हुआ. ही वॉज़ द फाउंडर ऑफ अ न्यू डेनेस्टी. वो एक नए शाही जो था उसका बानी बना. द स्लेव डेनेस्टी, शाही ग़ुलामी. कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज़ द फर्स्ट मुस्लिम किंग. कुतुबुद्दीन जो था वो पहला मुसलमान बादशाह था. हु इस्टेब्लिश रूल ओवर दिल्ली, जिन्होंने दिल्ली पर
हुकुमरानी कायम की बहाल किए। ही वॉज द फाउंडर ऑफ वॉट कैम टू बी कॉल्ड द दिल्ली सल्तनत। वो उसका बानी रहा, फाउंडर रहा, जिसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। बट लेकिन एबक डिड नॉट लिव लॉन्ग, लेकिन एबक जो था वो ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रहा। एंड डाइड इन 1210, और 1210 में वो इंतकाल कर गया। आफ्टर हिज डेथ, उसकी इंतकाल के बाद, इल्तमिश हिज सन इन ला, उसका दामाद, सन इन ला दामाद, इल्तमिश बिकेम किंग, वो बादशाह बन गया। ही वॉज अ ग्रेट रूलर, वो एक अजीम बादशाह था, हुक्मरान था। एंड एडेड, और उन्होंने शामिल किया मलवा, सिंध, अजमेर, जेलर, नगर, ग्वालियर, कनाव, बनारस एंड बदौन टू दिल्ली सल्तनत। उन्होंने दिल्ली सल्तनत में बदौन, बनारस, कनाव, ग्वालियर, जेलर, अजमेर, इन जगहों को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की तामीर, स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, वॉज कम्प्लीटेड इन हिज टाइम, उसने अपने टाइम में, अपने अरसे में कुतुब मीनार की तामीर जो है वो मुकम्मल कर दी। कुतुब मीनार इज़ 73 meters टॉल, टॉल लंबा। कुतुब मीनार जो था, कुतुब मीनार जो है वो 73 meters लंबा है। एंड नावडेज़, और आजकल, नावडेज़ आजकल इज़ द सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग इन दिल्ली, और आजकल दिल्ली का, दिल्ली के सेकेंड बड़े मीनारों में से ये एक है। आफ्टर इल्तमिश डेथ, इल्तमिश की फौतगी के बाद, इंतकाल के बाद, हिज डॉटर रज़िया बेगम, उसकी जो बेटी रज़िया बेगम, केम टू पावर इन 1236, 1236 में वो इक्तदार में आई। इल्तमिश की बेटी रज़िया बेगम वो इक्तदार में आई। नोन एज रज़िया सुल्ताना इन हिस्ट्री, तारीख में उसको रज़िया सुल्ताना के नाम से याद किया जाता है। शी वॉज़ द ओनली फीमेल, वो एक फ़ीमेल थी, वो वाहिद फ़ीमेल थी, रूलर, हुक्मरान थी, वो वाहिद फ़ीमेल हुक्मरान थी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की, दिल्ली सल्तनत, वो दिल्ली सल्तनत की वो वाहिद फ़ीमेल हुक्मरान थी। वी हैव कम्प्लीटेड 3 paragraphs. Read it at least 5 to 6 times at home, and we will read book page number 7 in the next video. Till then, goodbye. Allah Hafiz.